कानपुर शहर के गणपति नाका समीप एक निजी होटल को राजस्व विभाग के अमले द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण होने के चलते हटाया दिया गया। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बनी एक निजी होटल को पुलिस विभाग राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने धराशायी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता आनंद दीक्षित द्वारा होटल के अवैध निर्माण संबंधी शिकायत की गई थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा निजी होटल का सीमा को कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर होटल को धराशायी किया। SDM काशीनाथ बोले ने बताया कि ग्रामीण वृद्धि के खास करना प्रभावी जो कि स्टेट हाईवे पर मौजूद है, एक निजी होटल का निर्माण किया गया था, जो पंचायत के बिना अनुमति से होटल का निर्माण कर तरुण पहलवान द्वारा किया गया था, जिसे तो आज शासन के निर्देश पर JCB से हटाया गया। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर में अवैध निर्माण को लेकर इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन बिना किसी प्रभाव के आगे भी ऐसी कार्रवाई कर पाता है या नहीं, ये तो समय बता। शिकायत की गई थी कि होटल शब्दों जो है अतिक्रमण करके बताई गई है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो गोरगांव कुर्ती और रास्ता जाता है उस पर अतिक्रमण भी है, और जब भी कोई वाहन वहाँ से आता था तो सामने मेन रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था। प्रशासन ने जब कार्रवाई चालू की थी, नोटिस वगैरह दिया, ये लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से इससे हटा है। होटल छपिंदूर जो है पहले उस पर लगभग जो है सामने काफी हिस्सा टूट चुका है और कार्रवाई जारी है। एमा गिर्द के खसरा नंबर 222 में कलीम पहलवान ने जो होटल बनाया है उसको ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना बनाया है, इसलिए ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया है और ग्राम पंचायत के नोटिस के आधार पर यहाँ कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग CSP लोग हैं और जो टीम है तोड़ रही है तहसीलदार के नेतृत्व में। BNC न्यूज़ के लिए दानिश रजा खान की रिपोर्ट।